हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकी इब्राहिम, डायरेक्टर इमेज क्लासेस। आज हमारे साथ जामिया के सफ़र में जामिया के दो स्टूडेंट मुस्तफ़ा और उस्मान दोनों आए हुए हैं। ये हमारे इमेज क्लासेस को बहुत पहले से जानते थे और ये उस्मान हमारे पास एमयू की तैयारी किया था इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच में। एमयू में ऑलरेडी इसकी रैंक आई थी 38th रैंक थी माशाल्लाह। और जामिया में कितनी रैंक थी दोस्त? सर जामिया तो वेटिंग, जामिया वेटिंग था लेकिन वेटिंग क्लियर हुआ भाई। फाइनली अच्छा है कि भाई उम्मीद था जामिया में आना और जामिया में आए, फाइनली सिलेक्ट हुआ। हम इसी तरह वीडियो एक शूट कर रहे थे, फाइनली ये बच्चे इधर से गुजर रहे थे, इन लोगों ने हमें पहचाना। 2 साल पुरानी बातें, 2022 के बैच का है। 2022 सर, मैं तो इस साल। अच्छा इस साल आए हो तुम? अच्छा तुम्हें ड्रॉप करके लिया होगा। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 6th। अच्छा अभी 6th में हो तुम? अरे यार इस साल आया हुआ आप, मुस्तफ़ा 8th में हो। ये 2 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। ये दोनों बच्चे ऑलरेडी हमारे इमेज क्लासेस से हैं और ये इमेज क्लासेस को बहुत अच्छा जानते थे मुस्तफ़ा, ठीक है। तो जामिया में कैसा लग रहा दोस्त? सर जामिया में बहुत अच्छा लग रहा। तो ऐसा नहीं लगता कि एमयू में आते ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं सर, हमको जामिया में जामिया ही लेना था। अरे बहुत अच्छा। अच्छा और ये बताओ मुझे कि जामिया में आगे कंटिन्यू रखना है या फिर आगे कंटिन्यू रखना? जामिया आगे कंटिन्यू रखना है। 9th में एमयू ट्राई नहीं करना है? ट्राई करेंगे लेकिन सर एंट्रेंस अगर क्लियर हो जाएगा नहीं लेने के बाद भी नहीं कर लेने का है। क्यों यार ऐसा क्यों? सर जामिया मेरे लिए बेस्ट है। जामिया तुम्हारे लिए बेस्ट है? yes, अच्छा तो फिर इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है सर? ऐसे एक बार अच्छा मुस्तफ़ा से बात करते हैं। मुस्तफ़ा का कहना है कि अगर सर 9th इंटरेंस में जामिया से एमयू आना पड़े तो आ सकते हैं। एमयू नहीं जामिया से रहना है। ये जामिया वाले क्या कुछ पिलाते खिलाते तुम लोग को यार, कि एक बार जामिया के हुए तो जामिया के होके रह गए? मैंने एमयू का एंट्रेंस दिया था मेरा, जहाँ तक मैं एमयू का मैं एडमिट कार्ड आ गया था, मैंने दिया नहीं था फिर एग्ज़ाम। फिर मुझे मालूम था मेरा जामिया हो जाएगा, इसलिए मैं फिर जामिया आ गया। फिर मैं 9th के एंट्रेंस के लिए फिर से सोचा है जामिया के लिए। अच्छा 9th ऐसा क्यों? जब ऑलरेडी जामिया में तो दोबारा तो 9th एंट्रेंस क्यों देना? दो होता है इसमें, एक सेल्फ फाइनेंस होता है। एग्जैक्टली तुम्हारा सेल्फ फाइनेंस में होगा और तुम जनरल में नहीं होगे। अभी मैं गवर्नमेंट वाले में जाने वाला हूँ। अगर गवर्नमेंट वाले की फीस बता दो। चलो दो होता है जामिया में, जामिया में एक सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होता है और एक होता है हमारे पास जनरल कैटेगरी, है ना, जनरल विदाउट सेल्फ है। हाँ गवर्नमेंट वाले में तो गवर्नमेंट वाले की फीस 3,000 है पूरे साल की, और जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं उसकी फीस 30,000 रुपये है पूरे साल की। 32,000 हो गई है हमारे वक्त में, 1-2 साल पहले 30,000 कहता था, आज वो 32,000 रुपये हो गई ये फीस, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि ये बच्चा अपना घर का फ़ायदा करने के लिए फिर से 9th एंट्रेंस का एग्ज़ाम देगा ताकि ये गवर्नमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट वे में अपना एमयू में एडमिशन, सॉरी जामिया में एडमिशन ले सके। अच्छा तो उसके लिए तैयारी तो बहुत जम के करनी पड़ेगी। हाँ, उसकी मार्क्स का कट ऑफ काफ़ी 93-94 जाता है। बहुत सही पकड़े हैं आप, क्योंकि इस साल ना एक रैंक 5th आई है। वैसे सेल्फ फाइनेंस का रैंक वन इस बार आयशा करके बच्ची है, कौन है एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, रैंक वन आई है बच्ची सेल्फ फाइनेंस में, हमारे इमेज क्लास की बच्ची है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरल का रैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कैटेगरी में अगर हम लोग काउंट करें तो पता है इस बार 18 रैंक वन आई है अलहमदिल्ला, कैटेगरी और जनरल मिला लिया जाए तो, इमेज क्लासेस से सिर्फ, ठीक है, 4 जनरल कैटेगरी में और बाकी टोटल मिला के 18 रैंक वन है। तो मैं चाहूँगा कि तुम भी यार अपना 9th एंट्रेंस की जर्नी इंशाल्लाह इमेज क्लासेस से पूरा करो जी, ठीक है। सोच रहा था मैं भी, ये बच्चा हमसे पूछ रहा है सर 9th एंट्रेंस का बैच आप जामिया में कब आने वाले हैं, ऑफलाइन सेंटर में जामिया में कब आने वाले हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं, आप लोग की दुआएं रही तो बिल्कुल आएंगे। हाँ दोस्त क्या कहते हो तुम? कि आप तो यहीं रहना है? यस सर। ठीक है बढ़िया है। बच्चों कुछ कहना चाहोगे? तुम तो इमेज क्लासेस बहुत अच्छे से जानते हो सर। बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो, बैच की तैयारी करना हो, आप सबसे पहले इमेज क्लास का आइए। इमेज क्लास यहाँ पे आपको हर चीज़ फुल में मिल जाएगी। अगर आप जहाँ से ज्वाइन करें उसके पीछे का भी सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताऊँगा नहीं पब्लिकली सब चीज़ें, लेकिन मैं कहता हूँ कि 500 रुपये फीस है और 500 में हम ना जाने क्या क्या दे देते हैं। यस, और ये बात हम पब्लिकली कभी नहीं बताते हैं कि हम इस बैच में ये चीज़ें देने वाले हैं। अब कहते हैं ना कि नवाब सर जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। देखो ये जानता है बात पहले से कि नवाब सर जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, तो इसीलिए एग्जैक्टली जो आपको लिखता है ना कि बैच में जो ये चीज़ें मिलने वाली है वो समझ लो बस ऑफिशियली ज़्यादा देते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं। ये बात मैंने एमयू का 1 शॉट सिलेक्शन सीरीज ट्राई किया था। प्योर शॉट सिलेक्शन सीरीज? यस सर। 15 डेज पे मैंने लिया था, ठीक है, और लास्ट 15 डेज का मेरा छूट गया था, ठीक है, तो वो भी मुझे मिल गया। और जामिया का जो फुल टेस्ट सीरीज था वो भी मुझे मिल सब मिल गया था उसको। इस बार का जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था 2024 वाला, हमने पूरा का पूरा करो मोर सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज सब फ्री में दे दिया था उस बंदे को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार दिया जाएगा, हाँ इस बार दे दिया था, लेकिन बस याद रखेंगे आप, अल्लाह इस काबिल बनाया कि आप भाई जहाँ तक मदद हो सकती है हम मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इमेज क्लासेस में आना है तो क्या करना है, कौन सा नंबर है सर? नंबर याद नहीं, 8077-8077-938-938-908। बस ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके, है ना मुस्तफ़ा क्या कहता है दोस्त, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप ना हमारा इमेज क्लास का बैच
ज्वाइन कर सकते हैं, है ना जी। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।